Yeah, in Rinka you can see Komodo. And a Komodo Island. Which one is better? In a Komodo. Komodo is better. So you will take us to Komodo? Yeah, to Komodo. तो फाइनली गर्मी में इतना घूमने के बाद, मतलब आधे घंटे चल के 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल के पहाड़ों के ऊपर जाके नीचे जाके आने में हालत तो एकदम ख़राब हो गई थी, और ऊपर से इस होटल का रास्ता या हॉस्टल जो भी है इसका रास्ता भी एकदम पीछे से था, एकदम बहुत अजीब तरीके से था। तो जो भी है, तो उन्होंने हमको रूम दे दिया है और इस रूम की कीमत लगभग मान लीजिए कि एक दिन की 700 इंडियन रुपीज़ है। और यहाँ पर उन्होंने दे दिया बेड हमको, लॉकर है, उधर भी एक लॉकर है जिसमें चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं अंदर से, तो अपना सामान रख के या फ़ोन रख के आप बाहर से लॉक कर सकते हैं। बाकी लॉक यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, ये रेंट पे आप ले सकते हैं और वापस कर देंगे वो लोग पैसा जब आप उनको लौटाएंगे उनका लॉकर। तो फाइनली कुछ घंटे की नींद लेने के बाद मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ यहाँ के लोकल मार्केट पर। तो मैं अभी हूँ फ्लोरेस आइलैंड पर और यहाँ पर जाता हूँ, देखता हूँ कल के लिए टूर भी बुक कर लेता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर मार्केट कैसा है। ऊपर है कोमोडो, कोमोडो एक्चुअली में वो इतनी बड़ी हो जाती है, बाप रे यहाँ से साला मूर्ति जरा उनकी लग रही है। और पीछे का नज़ारा मेरे, तो वाकई में जो मैं रास्ते से गया था अपने हॉस्टल सुबह वो पीछे का था और आगे का रास्ता थोड़ा सा छोटा है तो मेन रोड पे खुल जाता जाके, तो ठीक है अब से वहीं से आएंगे। ये क्या खाने दे रहा है, ऊटू होल चिकन 95,000, मतलब 400 रुपये के आसपास। इस रोड पर पूरे लाइन से सारी दुकानें हैं, टूर की दुकानें हैं, कहीं से भी बुक कर सकते हैं। फुल डे टूर मैं करूंगा बुक, लेकिन उससे पहले मेरे को कराना है करेंसी एक्सचेंज। तो एक दुकान दिखी है सामने, वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज हो जाएगा, तो मैं बस वहीं जा रहा हूँ। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? चिकन मनी ओके? या या श्योर, या ला बोहेमियन बाजार। ओके, राइट हियर La Bohemian, right? This is four. Okay. तो मैं फिर से दोबारा मिलियनर बन गया, जो कि मेरा सारा पैसा खर्च हो गया था, तो मैंने $100 भी कन्वर्ट कराए यहाँ पे। अभी मैं एक दुकान से यहाँ बुक कर रहा हूँ पासपोर्ट कोमोडो के लिए, 6 पॉइंट के लिए, तो ये कुछ बताना चाहते हैं आपको। Yes, go on. I am Thomas. And he's? And I'm Yanto. Okay. You wanna say something about that? Okay. So we stop first in Padar Islands. Yeah. Then after Padar Islands, direct to Ping Beach, to Komodo. Oh, Ping Beach there. Yeah, to Komodo. Komodo first, okay. Yeah. Komodo, after Komodo, Ping Beach. Okay. So what is the name of this shop? Harmony. Harmony. Yeah, Harmony. On Long Bajo Main Road. Okay, Harmony. Okay, Harmony. No problem. Yeah. Okay. Okay, no problem. Okay. I am Thomas. Bye bye. You didn't tell me what is FBI. Okay. Famous born inspector. Oh, I didn't get you. Yeah. Okay. Well, FBI also forest beautiful island. Oh, those passport, beautiful island. Passport inspector. Oh yeah, inspector. There is 3 categories. Okay. Okay. For like. Okay, very nice. FBI. Okay, see you. Bye bye. Bye bye. Okay. Thank you, sir. Bye bye. तो मैंने टूर बुक कर लिया है कल के लिए और वो आएंगे मुझे सुबह 5 बजे ले जाएंगे होटल से। तो पिकअप इसमें है और इसके साथ ही साथ इसमें लंच भी है, स्नॉकलिंग किट देंगे ये लोग, पिकअप तो बता ही दिया। फिर यहाँ से वो हार्बर तक ले जाएंगे, वहाँ से स्पीड बोट पे हम लोग चढ़ेंगे और जाएंगे सबसे पहले पडर आइलैंड और वहाँ ट्रैकिंग करेंगे। और स्लो बोट का ऑप्शन था, फास्ट बोट का भी था,
तो भाई मैंने फास्ट बोट वाला ले लिया क्योंकि उसमें 6 पॉइंट कवर हो रहे हैं और कौन इतनी देर समुद्र के बीच में ही रहेगा, बल्कि बजाय इसके कि हम जाएं और डेस्टिनेशन देखें उस चीज़ को। ठीक है, वैसे ये लोग 2 दिन 1 रात 3 दिन 2 रात ऐसा भी टूर होता है यहाँ पर, तो जो लोग काफ़ी दिन का टाइम लेकर आए वो ये सब कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर डाइविंग के भी बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत पॉइंट्स हैं, तो वो सब भी लोग कर सकते हैं अगर थोड़ा टाइम लेकर आए। और फ्लोरेंस आइलैंड आने से पहले बहुत लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे वीडियो के नीचे आप जाके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ नॉलेज पता चल जाए तो इससे बेहतर और क्या, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत है तो लोग प्राइस बहुत हाई करके ही बताता है। तो खैर, मैंने मुझे लगता है कि मैंने कंपेरेटिवली चीप प्राइस में किया है बुक। तो बहुत दिनों से नेज़ल ब्लॉकेज हो रहा है, तो मैं इसके लिए ऑक्सीमेटाजोलिन जो कि नेज़ल की कंजेस्टेंट है उसको ले रहा हूँ, और बहुत महंगा पड़ रहा है यार यहाँ पर सब कुछ, 300 का पड़ रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से। हाउ मच डू दे चार्ज फॉर प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंसल्टेशन? ओह, दिस मच? तो यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा फीस है, एक ENT डॉक्टर की इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,500 रुपये। तो कल के लिए टूर बुक करने के बाद मैं यहाँ पर एक पास में एक ढाबा है, मतलब उसी रोड पे ही है, ये आ गया। व्हाट इज दिस? चिकन? दिस ग्रीन ग्रीन शायू? अच्छा टेस्ट है ग्रेवी का। थोड़ी कर ली गई है पेट पूजा और अब मैं निकल रहा हूँ, देखता हूँ हॉस्टल शायद चला जाऊँगा। व्हाट इज दिस? चिकन? नो नो नो, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। इंडिया? या आई एम फ्रॉम इंडिया। कमोनासो? व्हाट? कमोनासो बालो? हाँ, कमोनासो बालो, हाँ दैट्स बंगाली। क्या ले बे? टेके। दिस इज थेम्पी? थेम्पे। ओके, एंड दिस लास्ट? यहाँ पर सब कोई शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सबको जानता है, तो मैं जिससे मिल रहा हूँ बता रहा हूँ इंडिया से हूँ, तो सबसे पहले वही बोल रहा है, ओ शाहरुख खान शाहरुख खान। हम कहे भाई हम तो शाहरुख खान नहीं है, हाँ लेकिन वो हमारे यहाँ से। तो ये पीछे वाला बंदा शायद बंगाली बोल रहा था, मेरे को पता नहीं बंगाली की थी या क्या थी, लेकिन बंगाली में बोल रहा था। हाँ लेकिन यहाँ आने का मतलब ये है पैसा खर्च होगा अच्छा खासा। जो मैंने फ़्लाइट ली थी वो लगभग पड़ी थी मुझे 11,000 की इंडियन करेंसी, आना जाना दोनों। और फिर यहाँ पर जो आप एक्टिविटीज करेंगे वो भी अच्छा खासा महंगा है। यहाँ बच्चे बहुत सारे एकदम खुश हो जाते हैं कैमरा जब निकलता है तो, अभी भी कह रही है हेलो हेलो। और जो मेरे पीछे हो रही है वो हो रही है मुस्लिम्स की प्रेयर, क्योंकि इंडोनेशिया में मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं एक्सेप्ट बाली, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है। बेसिकली थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, खा पी लिया और अपना टूर बुक कर लिया। अब मैं चल रहा हूँ अपने हॉस्टल के अंदर और चुपचाप वहाँ आकर लेटूंगा, आराम करूँगा और कुछ वीडियोस एडिट करूँगा। सामने से नज़ारा बहुत ही अच्छा है, सनसेट देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोशिश करता हूँ जल्दी जाऊँ तो कैमरे में कुछ कैप्चर हो पाएगा। ये ऊपर कोमोडो ड्रैगन्स बहुत ही बड़ा है, मतलब कैमरे में शायद नहीं पता चल पा रहा हो, लेकिन मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ा, 6 फीट से भी ज़्यादा बड़ा होगा। हाय शाम का वक्त हो गया तो कैमरे में सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल मैं अपने हॉस्टल के आसपास ही पहुंच गया हूं, यहां से दिख सकता है हॉस्टल। पहुंची अपने हॉस्टल, तभी दूर
Hello, welcome back. Hello. Yes? I forgot to ask, what is your name? Christo. Christo. I'm Divyansh. Okay. Hello. Hi. Hello. Cheers. Hello. Where are you from? Israel. Israel, hello. And you? I'm from India. India. Yeah. What? Yeah, I'm going to India in 2 weeks. Oh, you're going to India in 2 weeks? Yeah. Oh, wow, very nice. Yeah, yeah. To the camera. Alright. So, abhi main baitha hu yahan par kuch travelers sab apne hotel ke niche, and with me there's a person from Israel. Hello. And she's from Netherlands, and she lives near Germany. Hello. So, we're talking about India and other places. So, mere saath ek aur traveler hai, and your name? Josh. Josh. He's from Australia. Australia. And he's going to Varanasi from Agra. Yeah. Oh, very nice. Varanasi is a very good place. I think she's feeling jealous. She wants to go to India. She has to go to India. She skip has Bali. To, come she to, has India. To, go to India. We've been with us for so long and we just talk about India. Honestly, that's all we do. We just talk about India. So what are you making, Josh? Hmm? What are you making? Lombok cigarette. Oh, Lombok cigarette. Nice. Nothing fun, man. He knows about Narendra Modi. Modi. Ah, Modi. Modi. Yeah. And yeah, like when he was younger, like he like. तो अभी मैंने अपने पीछे की वाली दुकान से नासी गोनेंग ले लिया जो कि मुझे इंडियन करेंसी में 100 रुपए पड़ा. अब इसको मैं ले जा रहा हूँ और खाऊंगा जाके. और रात के 11 बज गए और अभी भी चहल पहल बनी हुई है हॉस्टल के बाहर. एक और को मोड़ो दिखा जा रहे हैं, देखें उसको. तो कोमोडो देख लिया, अब उनके खाने को भी देख लिया जाए. और मेरे पीछे हैं कुछ